सुदूर समुद्र में बुरी तरह घायल इंडियन नेवी ऑफिसर अभिलाष टॉमी को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक फ्रांसीसी जहाज उनके पास मदद के लिए पहुंचा है। इंडियन नेवी के बेहतरीन नाविकों में शुमार कमांडर अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेने गए थे। इसी दौरान दक्षिणी हिंद महासागर में आए तूफान में फंस गए थे। आइए हम बताते हैं कैसे हुआ उनका ये रेस्क्यू। ये रेस फ्रांस से 1 जुलाई को शुरू हुई थी। इसमें 18 नाविकों ने हिस्सा लिया था। अभिलाष 21 सितंबर को इस तूफान में फंसे थे, जिसमें उनकी नाव का स्तंभ टूट गया था, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 22 सितंबर को उन्होंने YB3 टेक्सटिंग यूनिट से फ्रांस में रेस के ऑर्गेनाइजर्स को खुद के घायल होने का संदेश भेजा था, लेकिन समुद्र में उनकी लोकेशन का पता नहीं चला था। 23 सितंबर को भारतीय नौसेना के निगरानी और टोही विमान P-8I ने उनकी नाव का पता लगा लिया था और 24 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे फ्रांस के मछली पकड़ने वाले जहाज ने अभिलाष टॉमी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। इस दौरान भारतीय विमान P-8I ने भी सहायता की। आपको बता दें कि गोल्डन ग्लोब रेस में समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर काटना होता है, जिसमें प्रतिभागी अपने नाव पर अकेले ही होते हैं। 2013 में अभिलाष टॉमी ने इस रेस में दुनिया का पूरा चक्कर लगाया था। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। वो इस बार दोबारा इस रेस में उतरे थे, पर उनके साथ ये हादसा हो गया। इस हादसे में उनकी पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल INS सतपुड़ा उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मॉरिशियस लेकर जाएगा। हिमानी उप्रेती, नवोदय टाइम्स।